अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ईयरिंग डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये हॉबी इंडिया का क्रोशियो थ्रेड लिया है। मल्टी कलर है ये, नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। और हमें ईयरिंग्स बनाने के लिए कुछ एसेसरीज चाहिए, जिसमें यहाँ पर हमने ये इस तरीके के घुंघरू ले लिए गोल्डन कलर में। सिल्वर में भी आप ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एसेसरीज़ को चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके की रिंग्स लगेगी हमें, एंड ये हुक, ये आपको अमेज़ॉन पर इजीली मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लीव नट लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। स्लिप नट लेने के बाद हमें लेनी है 10 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन के गैप में नीडल डालकर हम रिंग बना लेंगे इस तरीके से। देन हमें लेनी है यहाँ पर 1 चैन। 1 चैन लेकर इस रिंग में हमें 16 टाइम्स सिंगल क्रोशियो बनाना है। इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर आप देखो कि किस स्पेस नहीं है, तो आपको इस तरीके से खींचते हुए आपको स्पेस यहाँ पर बनानी है। थर्टीन, 14, 15 और 16। फिर जो हमने ये जो फर्स्ट गैप है, इसमें हम 16 सिंगल क्रोशियो लेने के बाद फर्स्ट चैन के गैप में स्लिप स्टिच ले लेंगे और ये रिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर लेनी है 4 चैन, 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेंगे और सेकेंड गैप में 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने सिंगल क्रोशियो बनाया है, सेकेंड राउंड में हमें डबल क्रोशियो बनाना है। 1 चैन लेंगे, डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 चैन मेक डबल क्रोशियो, 1 चैन डबल क्रोशियो, 1 चैन डबल क्रोशियो, 1 चैन डबल क्रोशियो। और ऐसे ही ये जो 16 सिंगल क्रोशियो है उसके ऊपर हमें 16 टाइम्स 1 चैन डबल क्रोशियो बनाते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने ये 16 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लिए हैं। और लास्ट एंड कैसे करना है हमें, 1 चैन लेनी है। जब ये लास्ट गैप पर आप डबल क्रोशियो बनाओगे तो 1 चैन लेकर, स्टार्ट में हमने ये 4 चैन से हमने स्टार्ट किया था, तो 1 चैन जो आगे बढ़ने के लिए काम आएगी और 3 चैन एज अ डबल क्रोशियो काम कर रही है, तो 3rd चैन के गैप में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरीके से। अब जो ये फर्स्ट गैप है हमारा, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट गैप है इसमें हमें पहले स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद 1, 2, 3, 4 चैन लेनी है, नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाना है, फिर 4 चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाना है, फिर 4 चैन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाना है, फिर 4 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाएंगे।
और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर चैन बनाना है, नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच बनाएंगे और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड में हमने कोई भी एक धागा उठाकर स्लिप स्टिच ले लेंगे, देन 2 चैन लेकर धागा कट कर लेंगे। लॉक करेंगे और यहाँ पर से धागे को अंदर की तरफ से ले लेंगे ताकि ये फ्रंट में दिखे ना। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे अब आपने एक रिंग लेनी है और इसे देन एक एक करते हुए इसमें हम सारे घुंघरू डाल देंगे, 1 2 इस तरीके से। जब आप डालोगे तो यहाँ आपने होल्ड करना है और पकड़ की हेल्प से इसे लॉक कर लेना है। दैट्स इट, ये लॉक हो गया। ये इस तरीके से यहाँ पर हैंग होगा और फिर आपने एक रिंग लेकर उसमें हुक को लॉक कर लेना है। यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो ये 8 रहेगा इसके ऊपर आपने बराबर से काउंट करते हुए इस तरीके से इसमें रिंग को अटका लेनी है और फिर इसमें हम ये हुक डाल देंगे। देन इसे आपने अच्छे से लॉक कर लेना है और ये आपका इयररिंग बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर करोगे और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। सो ऐसे ही मैंने एक और इयररिंग बनाकर रेडी करके रखी हूँ। सो ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।